स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां परंपरा और इनोवेशन का मिलन होता है, जहां इतिहास के धागों से एक सस्टेनेबल समृद्धि का भविष्य बनता है। आज हम असम के एरी सिल्क की कहानी जानेंगे, एक ऐसा कपड़ा जो जितना कल्चरल रूप से समृद्ध है उतना ही पोटेंशियल से भरा हुआ है। लेकिन इस सिल्क को इतना खास क्या बनाता है, चलिए जानते हैं असम के एरी सिल्क के पीछे की कहानी और हाल ही में मिली प्रेस्टिजियस इकोटेक सर्टिफिकेशन के बारे में। असम के दिल में एरी सिल्क एक स्पेशल जगह रखती है। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये रीजन की पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। हर धागे में उन आर्टिसंस की कहानी बुनी हुई है जो पीढ़ियों से इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये सिल्क सिर्फ अतीत को संजो के रखने के लिए नहीं है, ये एक सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता तैयार कर रही है। हाल ही में असम के एरी सिल्क ने एक माइलस्टोन हासिल किया है जिसने इसे ग्लोबल मैप पर जगह दिलवाई, इकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 सर्टिफिकेशन। ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन सिर्फ एक लेवल नहीं है, ये क्वालिटी और सेफ्टी का प्रतीक है जो एंश्योर करता है कि कपड़ा हानिकारक पदार्थों से मुक्त है। असम के लिए ये रिकॉग्निशन सेफ और सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस के प्रति उसकी कमिटमेंट का प्रूफ है और इससे इंटरनेशनल मार्केट्स के दरवाजे खुल रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए एक गर्व का पल बताया। उन्होंने इस सर्टिफिकेशन के महत्व को हाईलाइट किया, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि असम की जनता के लिए भी। यह सिर्फ टेक्सटाइल की बात नहीं है, यह कम्युनिटीज़ को सक्षम बनाने की बात है, खासकर नलबारी जैसे डिस्ट्रिक्स में जहां ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पिलर्स बन रही है। नलबारी में ट्रेडिशनल एरी रेयरिंग प्रैक्टिस का पुनरुत्थान सिर्फ कल्चरल हेरिटेज को संजो के रखने के बारे में नहीं है, ये हज़ारों लोगों के लिए सस्टेनेबल आजीविका प्रदान करने के बारे में है। सरकारी पहलों के सपोर्ट से ट्रेडिशनल सिल्क इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है जो लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट कर रही है। इन पहलों का खासकर ध्यान महिलाओं पर है जो अब प्रोडक्शन प्रोसेस के कई एस्पेक्ट्स को लीड कर रही है, अपने कम्युनिटीज में योगदान दे रही है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर रही है। नलबारी के एरी सिल्क इंडस्ट्री पर सरकारी योजनाओं का गहरा असर रहा है। मनरेगा, NRLM और अमृत सरोवर जैसे इनिशिएटिव्स ने इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर एरा केसेरू और तपियोका के लार्ज स्केल प्लांटेशन के जरिए। ये प्लांटेशंस एरी सिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी फीडर्स लीव के प्रोडक्शन में एसेंशियल है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर एक साथ ध्यान देने के साथ ये एफर्ट्स न सिर्फ लोकल इकोनॉमी बल्कि एनवायरमेंट को भी बेनिफिट कर रहे हैं। इकोटेक सर्टिफिकेशन के साथ असम का सिल्क अब ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पहचान बना रहा है। सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देने वाले हाई वैल्यू मार्केट्स में इस कपड़े की डिमांड बढ़ रही है। एरी सिल्क को एक लग्जरी एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़े के रूप में ब्रांड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर ध्यान देकर असम ग्लोबल डिमांड का फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स और सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स के साथ कोलाबोरेशंस मार्केट रिच और ग्रोथ को और एनहांस कर सकता है। हालांकि एरी सिल्क इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इनमें सिंथेटिक फाइबर्स से कंपटीशन, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लिमिटेड मार्केट एक्सेस शामिल है। लेकिन इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के कंटिन्यूस सपोर्ट के साथ इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। भविष्य को देखते हुए एरी सिल्क का भविष्य उज्ज्वल है और इसके विकास और ग्लोबल रिकॉग्निशन के और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, खासकर तब जब दुनिया सस्टेनेबल और एथिकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है। अंत में असम के एरी सिल्क के लिए इकोटेक सर्टिफिकेशन एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है जो स्टेट की सस्टेनेबल और सेफ टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है।
यह सर्टिफिकेशन ना सिर्फ एरीसिल्क की ग्लोबल मार्केट में यूटिलिटी को बढ़ाता है बल्कि लोकल इकोनॉमीज को भी मजबूत करता है, खासकर नलवारी जैसे एरियाज में। आगे देखते हुए कॉन्टीन्यूस सपोर्ट, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एरीसिल्क की इस यूनिक एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़े की ग्लोबल सक्सेस के लिए ज़रूरी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और भी इंस्पायरिंग कहानियों के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगली बार तक सस्टेनेबल रहिए, स्टाइलिश रहिए।